कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में बेसिक्स देखे थे प्रोबेबिलिटी का। अब उस पर कुछ सवाल ले लेते हैं, उसको वेन डायग्राम से लिंक कर लेते हैं, या वो कॉम्बिनेशन से और परमुटेशन से कैसे लिंक्ड है उससे भी रिलेटेड भी कुछ सवाल ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंडीशनल पे और मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब जो प्योर 12th में है उस पर। लेकिन कॉम्पिटिशन में जो सवाल आ रहा है, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है, वो एक तरफ तो प्योर प्रोबेबिलिटी का जो कि कंडीशनल बेस थ्योरम से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो इस चैप्टर को मिक्स करना चाहता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो उसका भी कुछ बेसिक्स, जैसे लास्ट क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन कवर किए थे, तो इधर कुछ और पॉइंट कवर करेंगे इसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिवाइज करेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों से। तो आज का पहला सवाल हमारे पास है कि 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड, देन रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस एंड द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 head एंड 2 tail। तो सैंपल स्पेस लिखना और इवेंट लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है आपके पास, तो आप कितना कॉइन टॉस किए हैं, 3। अगर एक करते तो क्या आ सकता था, हेड या टेल। अगर 2 करते तो क्या होता, ये दोनों के बगल में एक हेड 2 बार लिख दीजिए, या एक काम कीजिए, 1 अगर करते तो यही होता। ध्यान से देखिए कैसे लिखते, यहां एक हल्का डॉटेड लाइन लिख रहे। अगर 2 फेंकना है तो इसी को कॉपी कर लीजिए, कर लिए। अब 2 बार हेड लिख दीजिए और 2 बार टेल लिख दीजिए। देखिए 2 coin टॉस करने का आ गया, आपको कितना कॉइन टॉस करना है, 3। तो यहां एक लाइन खींचिए डॉटेड, इसको कॉपी कर दीजिए। तो हेड टेल, हेड टेल, ये पूरा कॉपी कर रहे हैं, टेल। अब 4 में हेड लिख दीजिए और 4 में टेल लिख दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख रहे थे कि टोटल अगर आप 3 coin को टॉस कर रहे हैं तो पहले पे कितना पॉसिबिलिटी है, 2, दूसरे पे 2, तीसरे पे 2, तो 8 नंबर ऑफ आउटकम्स 8 होगा। और वो कौन कौन होगा आप देख लीजिए, एक बार फिर से सुनिए, पहले क्या किए, सिर्फ है 1 coin अगर फेंकेंगे तो सबको पता है हेड या टेल, फिर उसको कॉपी कर दिए। अब 2 बार हेड लिख दिए, 2 बार टेल लिख दिए, फिर ये चारों को कॉपी कर दिए, फिर 4 में हेड लिख दिए और 4 में टेल। अगर और आगे बढ़ना है तो ये 8 को कॉपी कर दीजिए, अब 8 बार हेड और 8 बार टेल लिख दीजिए, तो 4 coin टॉसिंग का हो जाएगा। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। हर एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, कॉमा करके। तो सैंपल स्पेस, अब आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, हेड टेल हेड देख के ठीक से लिखिएगा, हेड टेल हेड। आगे बढ़े तो ये क्या है, हेड टेल टेल। सातवां लिख रहे हैं, हेड टेल टेल। अब वो कह रहा है कि इवेंट लिखिए जिसमें 1 head है और 2 tail है, तो इवेंट का नाम ई दे देते हैं और उसको लिखते हैं। तो ऐसा कितना दिख रहा है जिसमें 1 head है, अगर 1 head होगा, इसमें 3 head है, इसमें 2 head है, इसमें 1 head, तो हम इसको नहीं, इसमें भी बाबू 2 head है, इसमें भी कितना हेड है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 head है, तो 1 head वाला, तो
तो ये हो गया, और एक हेड वाला तो ये हो गया, एक हेड वाला तो ये हो गया। तो इसको लिख दीजिए, इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या मिला, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, लिख दिए, पहला हो गया। आप बोलेगा इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस है 8। अगर इसी का प्रोबेबिलिटी आप पूछ लेते, अगर ये भी पूछते, तो हम क्या करते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, और ये क्या हो जाता, 3/8। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज प्राइम व्हेन टू डाइस आर थ्रोन। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम कहने का मतलब क्या है, प्राइम नंबर की बात करना है, सम प्राइम हो। तो आप लास्ट क्लास में देखे थे कि हम लोग सम के लिए एक चार्ट बना दिए थे, ठीक है, सम और नंबर ऑफ केसेस ऐसे बनाए थे। सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर ऑफ केसेस कितने तरीके से सम 2 मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये इन्फॉर्मेशन पहले से आपको फर्स्ट क्लास में दे दी है कि भाई यहाँ 1, 1 एक ही तरीके से सम। अब एस से सैंपल स्पेस समझने का डर है, इसलिए यहाँ सम लिख दे रहे हैं, ठीक है, सम। और नंबर ऑफ केसेस कितने तरीके से सम 2 आएगा, तो एक तरीका से 1, 1 आएगा। तब आप 2 डाइस फेंके हैं, पहला क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए इसको भी मिटा दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज प्राइम। तो प्राइम कौन कौन नंबर होता है, प्राइम नंबर 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, सम प्राइम होना चाहिए, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 है प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट है, 7 है प्राइम नंबर, ठीक है, और 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है प्राइम नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना केस है, 1, यहाँ से 2 केस, यहाँ से 4 केस, यहाँ से 6 केस, यहाँ से 2 केस, तो 6, 2, 8, 4, 12, 12 और 3, 15। तो इसमें 15 एलिमेंट हो। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 6 × 6, 36। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई क्या होगा, NE/NS, तो ये हो जाएगा 15/36, 3 से कट रहा है, 5/12 आंसर। अगर ये पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉन प्राइम, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई पूछता, अगर पूछता, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई कर देते, ये क्या हो जाता, 1 - 5/12, 12 - 5, तो 7/12 आंसर, ऐसे लिख देते। ये नहीं पूछा है, वो यही पूछा है, उतना ही बताइए, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन हुआ, 2, 3, 5, 7, यहाँ यहाँ 2, 3, 5, 7, हाँ ये केस वाला आप समझ गए। अब यही सोचे कि अगर हम सबको लिखते, 15 केस लिखते, सम प्राइम तो कितना बड़ा होता ये, तो एक केस आता 1, 1,
फिर आता 1 2, 2 1, फिर आता सम 5 5 का, तो 1 1 4, 1 4, 2 1 4 के बाद 2 3, 3 2, 4 1, तो 4 केस हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 7 में 6 केस होता, 1 सम 7, तो 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, फिर आप पढ़ते सम 11, तो ये क्या होता, 6 5, 5 6, तो आप इसको जोड़ते तो आ जाता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये चार्ट से बनाए तो तुरंत हो जाएगा। तो इस पे सवाल मान लीजिए बिट सेट दे रहे हैं तो मिल गया, तो जल्दी से चार्ट बनाए, या ये तो आप ध्यान में भी रख सकते हैं ये बात कि भाई जल्दी से आंसर निकाल देना, या बोर्ड में ही आ गया तो भी कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया, तीसरे पे चलिए। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स और उस पे मार्क्ड है 1 2 20, ठीक है, 1 2 20, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल आपने निकाले हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्क्ड विथ अ नंबर 5, ठीक है, तो नंबर 5 वाला में, नंबर मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो मान लीजिए M5 सेट में कौन कौन आ सकता है, 5 लिखा हुआ या 10 लिखा हुआ या 15 लिखा हुआ या 20 लिखा हुआ आ सकता है। अगर M7 वाला देखें तो 7 14 21 तो होगा नहीं, तो यही दोनों, तो आप क्या देख रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 5, 1 to 20 का बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 7 जो यहाँ अवेलेबल है सैंपल स्पेस 1 to 20 मार्क किया हुआ, ये क्या है 5, तो M5 एंड M7 नंबर बॉल मार्क्ड विद मल्टीपल ऑफ 7, आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो अगर कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है तो और बोला है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मल्टीपल ऑफ फाइव यूनियन मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 5 प्लस नंबर ऑफ बॉल्स मल्टीपल ऑफ 7 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 5 इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 7, ये तो 5 है, तो यहाँ कितना एलिमेंट है, नंबर 1 2 3 4, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, तो ये फेवर में कितना आया एलिमेंट, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 7 के फेवर में कितना है, 6, और टोटल एलिमेंट कितना है 20, तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3 by 10, तो डिसजॉइंट का मतलब समझ गए आप, कुछ कॉमन होता तो आप पढ़े हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आप पढ़े हैं, ठीक है, तो उसका यूज कर लेते, अगर वो कॉमन भी होता तो उसके हिसाब से उसको फॉर्मूले में डाल देते। अगले सवाल पे चलिए, 3 हो गया।
क्वेश्चन नंबर फोर, एन अर्न कंटेन्स नाइन रेड बॉल्स, सेवन व्हाइट बॉल्स एंड फोर ब्लैक बॉल्स। तो एक अर्न है, इसमें क्या है, नाइन रेड बॉल है, सेवन व्हाइट बॉल और फोर ब्लैक बॉल। वन बॉल हैज बीन ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और ब्लैक। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक बोला है, रेड और ब्लैक। हाँ तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, कोई बॉल लाल होगा तो लाल ही होगा, ब्लैक होगा तो ब्लैक ही होगा, आधा आधा नहीं रंगा गया, पूरा ही रंगा गया है। ठीक है, तो फेवर में कितना हो गया, 9 और 4 13। ठीक है, तो आप एक ही बॉल निकाल रहे, तो आप 13C1 कर सकते हैं या 13 लिख सकते हैं। आप NCR क्या यूज कर रहे हैं कि अगर दो बॉल निकालना होता अगर, ठीक है, कि वो रेड और ब्लैक हो, या चलिए ना इसको लिख दिए हम जैसे आप लिख रहे थे अभी तक 13। ठीक है, और टोटल कितना हो गया, 9 और 7 16 4 20। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर आप बात करते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू रेड बॉल तब क्या होता, तो रेड कितना था, 9, उसमें से 2 चुनते। ठीक है, 9 में से क्या करते, 2 चुनते, डिवाइड बाय 20 में से टोटल 2 चुनने का कितना तरीका होता, 20C2। तो आपको याद है एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, एनसीआर होता है नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर डिफरेंट वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, एनसीआर कभी भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तभी यूज कर पाएंगे जब स्टॉक में हर चीज एक दूसरे से क्या है, अलग हो। ठीक है, तभी एनसीआर या एनपीआर यूज होता है। एनपीआर यूज होता है अरेंजमेंट के लिए, अगर एनपीआर बोलिएगा तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीआर और एनपीआर तभी यूज होता है जब स्टॉक में क्या है, सब चीज एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अगर कुछ चीज एक जैसा है कुछ ही दूसरे जैसा है, अगर ऐसा बात करें आप बोलेगा लाल बॉल, तो यहाँ पे एक बात, जब तक वो आइडेंटिकल ना बोले तब तक हम वो लाल है, लेकिन फिर भी दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब अब सेट्स में अंतर हो, साइज में अंतर हो, कुछ से भी अंतर हो, मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं कि ये 9 रेड बॉल भी, जो रेड बॉल है वो भी अमंग देम सेल्फ डिफरेंट है, वो अपने में भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। अब वो सेड के चलते हो या साइज के चलते हो, ठीक है, कोई भी कहानी हो, जब तक कि वो लिख ना दे कि भाई वो ट्रीट देम एज आइडेंटिकल, ठीक है, तब तक हम लोग क्या ट्रीट करेंगे उसको, डिफरेंट ही ट्रीट करेंगे। फिर लाएंगे बहुत सारा बात, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिंक होगा तो वहां से बात किया जाएगा। तो ये हो गया क्लियर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और ब्लैक। तो डिसजॉइंट था तो यहीं पे आंसर आ गया।
फिर हम क्वेश्चन को चेंज करके एक और क्वेश्चन पे ले गए और आपको एनसीआर का यूज करने पे याद दिलाए पुरानी बात। चलिए अभी आगे चले, नेक्स्ट सवाल को देखें, 5 नंबर फिर आ रहे हैं इस पे और बात कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 boys and 6 girls, ठीक है, इन अ रो, सिट इन अ रो एट रैंडम, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज का सिटिंग अरेंजमेंट किसी का भी बदलिएगा, इंटरचेंज कीजिएगा, तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कब सिलेक्शन के लिए जाना है और कब अरेंजमेंट के लिए जाना है। वो क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली, तो एक बॉय फिर एक गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, ऐसे करके बनाना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा शब्द देख लीजिए कि हमारे पास दो शब्द था, एक था परमुटेशन और दूसरा था कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यहां हम लोग किसको डील करते हैं, अरेंजमेंट को। और कॉम्बिनेशन में किसका यूज क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ सेलेक्ट करने का मर्जी होता है, आपका मन होता है कि कुछ चीज सेलेक्ट कर लें, कुछ चीज का कोई चीज को चुन लें और उसे एक कमिटी बना दें, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करते, ठीक है, ऑर्डर इज इनसिग्निफिकेंट होता है, खाली ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज इनसिग्निफिकेंट। और यही अगर यहां बोलिएगा तो अरेंजमेंट में कोई एक दूसरे से अगर सीट एक्सचेंज किया तो अलग काउंटिंग होता है, तो यहाँ ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं NPR, NPR ये क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, ये डिफरेंट अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप अगर कभी भी बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आर थिंग्स का अरेंजमेंट करना है, स्टॉक में क्या है एंड डिफरेंट थिंग्स, तो NPR किसके बराबर होता है, ये होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर के बराबर होता है। और यही अगर बात कीजिएगा सिलेक्शन का, तो हम सिंबल यूज करेंगे NCR, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम सॉरी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, ऐसे चलता है। ये किसके बराबर होता है, NCR फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल r by फैक्टोरियल n minus r। जैसे मान लीजिए कि क्लास में 30 लोग हैं, हम 11 लोगों का एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो 11 लोगों का एक कमिटी बनाना चाहते हैं, 11 लोगों का एक टीम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ तक बात यहाँ है, ठीक है। आप करिएगा, 30 लोग थे, 30 से 11 वेज हो सकता है। अगर उसी में बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करने लगे, ठीक है, तो फिर यहाँ आ जाइएगा कि भाई 11 लोगों का बैटिंग ऑर्डर, 11 लोगों को टीम बनाए और उनका बैटिंग ऑर्डर,
तो वो यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 30p11। ठीक है, तो सवाल को पढ़ के समझना होता है कि कब सवाल यहाँ होगा और कब सवाल यहाँ होगा। अगर सोचिए कि हमारे देश का जनसंख्या 125 करोड़ के आसपास, 125 करोड़ ही है थोड़ी देर के लिए मान ले, अब उसमें से अगर आपको तीन लोगों को अरेंज करने के लिए बोले, तो आप बोले 125 करोड़ पी थ्री कहिएगा। अगर प्रैक्टिकली इस बात को अगर थोड़ा सा अगर अप्लाई करने का कोशिश करें तो क्या हो सकता है कि भाई 125 करोड़ को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि तीन लोगों का अरेंजमेंट होने वाला है, वो तीन लोग कौन है, और उनको हम तीन बेंच पर बैठा दें, तो हम कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई 125 करोड़ में लकी ड्रॉ टाइप से तीन लोगों को निकाल, एक एक मान लीजिए तीन लोगों को सेलेक्ट कीजिए, उनको लेटर भेज दीजिए, यहाँ बुलाइए, हम तीन लोगों को अरेंज कर दें। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 125 करोड़ एक ग्राउंड में जमा हो जाओ, वो काम नहीं कर सकते। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। क्या बोल रहे हैं इसको हटा के, क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए तो परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। ठीक है, पहला सेलेक्शन, उसके अंदर दो चीज होता है ठीक से देखें तो, सेलेक्शन एंड दूसरा अरेंजमेंट ऑफ दैट सेलेक्टेड ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ दैट सेलेक्टेड ग्रुप। ठीक है, तो इस बात को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं कि NPR मतलब NCR, तो R लोग सेलेक्ट हो गए। अब R लोगों का R प्लेसेस पर अरेंजमेंट कितने में से हो सकता है, दे आर डिफरेंट, तो फैक्टोरियल R। मान लीजिए पांच लोग ही होते, 125 करोड़ का बात हटा दे, पांच ही लोग होते, अब पांच प्लेस होता मेरे पास, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करें तो पहला प्लेस को भरने का कितना तरीका, पांच, दूसरा को चार, तीन दो एक, तो ये क्या होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर 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 दस लोग रहें और दस प्लेस अवेलेबल हो तो देयर पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाता है, फैक्टोरियल टेन। तो परमुटेशन को अगर ध्यान से देखें तो परमुटेशन को हम दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं, पहला सेलेक्शन कर लें जैसा बोल रहा है, जैसा जैसा जिनका अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है उनका सेलेक्शन कर लें, और फिर उस सेलेक्टेड ग्रुप का अरेंजमेंट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा NPR। ठीक है, अच्छा अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो स्टॉक भी बहुत अलग अलग तरीके का भी होता है, कुछ चीज रिपीटेड भी होता है, कुछ चीज डिस्टिंक्ट भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम लोग जो देखते हैं वो क्या है, सारा का सारा चीज एक दूसरे से अलग है, यहाँ पे अंडरलाइन जो किया गया है वो क्या वर्ड है, डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग सवाल पे आएंगे थोड़ी देर में, पहले अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कट करके यहाँ लाना है और उस पे सवाल देख ली। देखिए जहां तक अगर हमारे पास स्टॉक में एन डिफरेंट थिंग्स होता और आर का अरेंजमेंट करना होता, आर का अरेंजमेंट करना होता, तो हमारे पास आर चेयर होता, चेयर नंबर वन, ये टू, ये थ्री, डॉट डॉट, ये आर एथ होता। तो बताइए एन लोग अगर हैं तो पहला चेयर भरने का कितना पॉसिबल वेज है मेरे पास, हम यूज करना चाहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो पहला चेयर को भरने का कितना तरीका एन, दूसरा को जो यहाँ बैठ जाएगा वो फिर यहाँ दौड़ेगा, ऐसा नहीं खेल खेलना है, कोई एक इसमें से बैठ जाएगा, तो दूसरा चेयर को भरने का हमारे पास कितना पॉसिबल वेज रहेगा एन माइनस वन, तीसरा के लिए एन माइनस टू, तो यहाँ तीन नंबर है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो यहाँ थ्री है, तो यहाँ टू आ रहा है, तो आरएथ को भरने के लिए कितना वेज,
आर से कम, तो एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन घटाए, तो ब्रैकेट अगर हटा देंगे तो एन माइनस आर प्लस वन होगा। तो आपके पास पॉसिबल वेज कितना हो गया, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन। तो आपके पास कितने लोग थे, एन, कितने को आप अरेंज किए, आर। तो उसका सिंबल क्या होता है, एन पी आर। तो आप देखिए तो ये घटते जा रहा है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन। तो अगर हम इसको फैक्टोरियल में लिखना चाहें तो इसके पास क्या मिसिंग है, जैसे आपको पता हो अगर, तो फैक्टोरियल 10 में से अगर 10 निकाल दें तो हम इसको फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 1 टू 10 का प्रोडक्ट। तो 10 निकाल लिए तो 1 से 9 तक का गुना बचा, अगर 9 भी निकाल लेंगे तो 10 गुना 9 इंटू फैक्टोरियल 8 हो सकता है। तो यहाँ एक एक घटते जा रहा है, यहाँ तक घटा है, तो इसको फैक्टोरियल में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एन माइनस आर से, इसे कम के फैक्टोरियल से। तो इसे अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर वाला सबको अगर कंबाइन कर रहे हैं तो अब ये 1 to n-r, इसके पास n माइनस आर प्लस वन बढ़ते बढ़ते n तक, तो ऊपर वाला क्या हो गया, फैक्टोरियल n। नीचे वाला क्या हो गया, फैक्टोरियल n माइनस आर। ये क्या है, एन पी आर। तो ये डेराइव हो गया ना, किससे डेराइव हो गया, फंडामेंटल थियोरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन से डेराइव हो गया। और आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, नंबर वन सेलेक्शन एंड नंबर टू अरेंजमेंट ऑफ दैट सेलेक्टेड ग्रुप। तो आप एनसीआर भी उसे डेराइव कर सकते हैं, एनपीआर आ चुका, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। तो एनसीआर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर एनसीआर हो जाएगा। तो वो आप सोच सकते हैं, वो सब बात आप 11th क्लास में सुने भी होंगे, तो ये देख लिए। अब है हमारे पास कि तीन तरह का सवाल आ सकता है प्रोबेबिलिटी में, यहां से तीन तरह का सवाल आ सकता है, स्टॉक ही तीन टाइप का हो सकता है। पहला है एन डिफरेंट थिंग्स, दूसरा है एन आइडेंटिकल थिंग्स, तीसरा है मान लीजिए ए आया 5 बार, बी आया 4 बार, सी आया 3 बार, डी एफ आया अकेले। तो हमारे पास जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बात हो या सिलेक्शन या अरेंजमेंट का बात हो, तीन टाइप का स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के स्टॉक में अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखा दिए तो इसके बाद कुछ भी बचा तो कंडीशनल वाला बचा, तो कंडीशनल का बात अलग से थोड़ा सा और आगे देख लेंगे, कुछ और मेथड जोड़ देंगे। तो ये तीन चीज़ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पहला पार्ट है चैप्टर का कि भाई एन डिफरेंट थिंग्स को डील करो, क्या है एन डिफरेंट थिंग्स को डील करना। तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, एंड डिफरेंट थिंग्स, तो क्या होगा, इज एन सी आर। और सेलेक्टिंग के जगह पे अरेंजिंग वर्ड अगर लिख देंगे तो क्या होगा, एन पी आर। यहीं पे एक दो शब्द और सुन लीजिए, अगर हम आपसे पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग, सॉरी अरेंजिंग को बाद में ले लेते हैं, अभी सेलेक्टिंग पे ही रहते हैं, सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स, वन और मोर थिंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स, तब क्या होगा,
तैन में से एक चुन सकते हैं और मतलब प्लस होता है, या दो चुन सकते हैं, या एन में से एन चुन सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, 1 + x^n क्या होता था, nc0 + nc1 + nc2 ।nCn। इसमें अगर x इज इक्वल्स टू 1 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 2n। एन सी 0 1 होता है, ये हो गया nc1 nc2 ।nCn। तो nc1 + nc2 ।nCn का वैल्यू 2n-1, तो ये क्या हो गया, 2n-1 अलग से। अब एग्जाम आया, हबड़ा के पढ़े 2n-1 2n-1, तो ये इसके सिर पे ना सवार हो जाए, है ना। इसलिए इसको क्या है, 2n अलग और -1 अलग, तो इसे आप कर सकते हैं। अगर इसी में वर्ड होता सेलेक्टिंग के जगह पे अरेंजिंग करते, क्या है अरेंजिंग का बात करते, तो पहला पॉइंट क्या बन जाता, अगर इसके जगह पे अरेंजिंग लिख देते तो क्या होता, ये क्या बन जाता, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि रिवीजन है। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, तो पहला का क्या हो जाता, एन पी आर। दूसरा का क्या हो जाता, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग वन और मोर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ कोई छोटा फॉर्मूला नहीं होगा पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, एन पी वन एन पी टू ।nPn। तो इस पे अगर सवाल आएगा तो छोटे डाटा पे आएगा ताकि आप लिख के जोड़ पाए, बहुत बड़े डाटा पे नहीं आएगा, नहीं तो फिर वो सीरीज ही रह जाएगा, है ना। तो ये हो गया कौन सा स्टॉक, एंड डिफरेंट थिंग्स वाला स्टॉक। थोड़ा सा जल्दी से एन आइडेंटिकल थिंग्स वाला देख लेते हैं, फिर वहाँ आते हैं और फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी के पास लौट जाएंगे। अब आपके पास स्टॉक टू आ रहा है, स्टॉक टू एन आइडेंटिकल थिंग्स है आपके पास, जो भी चीज है वो सब का सब एक जैसा है। जैसे ए आया है 5 बार, आप दुकान से गए, 5 डेरी मिल्क चॉकलेट 10 वाला 10 रुपये वाला एक ही फ्लेवर का एक ही सब कुछ खरीद के ले आए, तो ये स्टॉक में है। तो आप अगर यहाँ से बोलिएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स, तो ये क्या होगा। अब यहाँ आर लिख देते हैं जनरल, तो ये 1 होगा। जैसे ये 5 चीज में से कोई भी आप 3 को उठाइएगा, ये उठाइए, या ये यहाँ से एक लीजिए, यहाँ से एक, यहाँ से, तो एक ही तरह का स्टॉक आपको जनरेट करेगा, एक ही तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने में क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर 5 चीज में से 3 चीज चुनने का तरीका यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, 1। तो आर थिंग्स को चुनने का तरीका देखेंगे आइडेंटिकल थिंग्स में से तो क्या होगा, 1। अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स, जल्दी से इसको वाइंड अप करें, एन आइडेंटिकल थिंग्स, तो क्या होगा। मान लीजिए आप ए 5 वाला ही देखिए ना, आप 1 डेरी मिल्क खरीदे तो वो एक तरीका, 2 अगर खरीदेंगे 3 के लिए 3 को सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा, 4 के लिए और
पांच के लिए, पांच का पांच, तो यहां तक जा सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट ना, आप एक डेयरी मिल्क खाइएगा कि दो खाइएगा, दो खा लिए तो एक ही बात है, नहीं आपको एक मिला या दो मिला अलग हो जा रहा है। तो एक को सेलेक्ट करने का इसमें से एक तरीका, दो को सेलेक्ट करने का एक तरीका, तो वन प्लस वन प्लस वन सबके लिए एक तरीका, कितना बार, एन टाइम्स, तो ये क्या होता है एन। तीसरा, अगर हम आपसे बोले कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स, जीरो और मोर थिंग्स, जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स, एन आइडेंटिकल थिंग्स, तो ये क्या होगा, एन प्लस वन, सेलेक्शन ऑफ जीरो थिंग्स मतलब रिजेक्शन ऑफ ऑल एम्प्टी सेट फाइव, वो भी एक तरीका होगा। तो एन तरीका, एक दो तीन एन तक सेलेक्ट करने के लिए सबके लिए एक तरीका, तो एन तरीका हो गया, और जीरो सेलेक्ट करना मतलब रिजेक्शन ऑफ ऑल, उसका एक तरीका, तो वो क्या होगा, एन प्लस वन। तो ये दूसरे टाइप का स्टॉक हो गया। हाँ, अब इसमें अगर आप अरेंजिंग वर्ड सेलेक्टिंग के जगह पे अरेंजिंग डालिएगा तो भी आंसर यही रहेगा सेम, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल थिंग्स अपने में अरेंज होके नया केस नहीं बनाता है, ठीक है। तो अगर कभी आगे चल के कोई कांस्टेंट ऐसा आता है कि जो दो चीज अपने में अरेंज होने के लिए मना किया हुआ, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए आइडेंटिकल मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल थिंग्स का यह मानता होता है कि वो अपने में अरेंज नहीं हो, अरेंज हो, अरेंज बोलेगा अरेंज तो हम कर देंगे, एक उठा के यहाँ रखे, इसको उठा के यहाँ रखे, उससे कोई फायदा हुआ क्या, नहीं। तो यानी उसको कैसे समझते हैं कि आइडेंटिकल थिंग्स अपने में अरेंज होके नया केस नहीं बनाता है, इसका मतलब ऐसे कंक्लूड करेंगे कि आइडेंटिकल थिंग्स अपने में अरेंज नहीं हो पाता है, नया केस नहीं बनाया, मतलब नहीं हो पाया अरेंज, तभी तो नया केस नहीं बनाया, नहीं तो अगर डिफरेंट थिंग्स अपने में अरेंज, दो डिफरेंट थिंग्स को अरेंज कीजिए तो नया केस तुरंत बनता है। तो यहां पे अगर वर्ड सेलेक्टिंग की जगह पे अरेंजिंग आ जाए तो भी आंसर वही रहेगा। अगर ए की बात कीजिएगा, वन की बात कीजिएगा, तो उसका आंसर वन ही होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग वन थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स, तो वन ही होगा। दूसरा का एन ही होगा, तीसरा का एन प्लस वन ही होगा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल थिंग्स अपने में अरेंज होके कोई नया केस नहीं बना पाता है, इसलिए ये सेम रहेगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि कुछ चीज स्टॉक में एक जैसा, कुछ चीज दूसरे जैसा, और कुछ चीज एक दूसरे से अलग, तो उसमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट कैसे करते हैं और उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा कंडीशनल का बात करेंगे, तो बचा हुआ सवाल फिर करेंगे, सवाल को थोड़ा सा रोके हैं, और ये हम लोग रिकैप देख रहे हैं किसका, जो आप पढ़े थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, उस पर भी सवाल आता है, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक थ्री का, ठीक है। तो स्टॉक थ्री को एक सवाल से ही देख लीजिए, एक सवाल से ही देख लेते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट, हाउ मेनी, या स्टॉक थ्री में आने से पहले एक लाइन और बताइएगा, एक लाइन स्टॉक टू और स्टॉक थ्री के बीच में एक लाइन है, ब्रिज, ब्रिज लाइन, वो क्या है, एक पुल है जो वन टू को थ्री से जोड़ता है। आपके पास तीन स्टॉक था तो वन टू आप पढ़ लिए, अब एक लाइन और जोड़ देते हैं ताकि आप थ्री वन टू के सहारे कर पाए। तो ये बोलता है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग n things को अरेंज करना है, कॉमा, टेकन ऑल एट ए टाइम
taken all at a time. Out of which P are alike of one kind. P एलिमेंट एक जैसा है, Q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, Q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड R आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड एंड रेस्ट अदर आर डिफरेंट, रेस्ट अदर आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जितना टोटल है उसका फैक्टोरियल ऊपर, जो चीज पी पी टाइम्स आया एक चीज तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, क्यू चीज आया क्यू बार आया दूसरा चीज उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, आर थिंग्स आया थर्ड काइंड है वो आर टाइम्स आया है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पी चीज एक जैसा है तो अपने में अरेंज होकर नया केस नहीं बनेगा। अब सोचिए कि अगर वो पी डिफरेंट था, वो अगर अरेंज होता तो अपने में भी, तो फैक्टोरियल पी वैसे अरेंज हो सकता था। अगर ये क्यू एलिमेंट सब एक जैसा है तो अपने में अरेंज होकर नया केस नहीं बना पाएगा। ये आर तीसरे जैसा है, ठीक है, वो भी अपने में अरेंज होकर नया केस नहीं बना पाएगा, तो उतने टाइम्स वो कम कर देता है, फैक्टोरियल टाइम्स कम कर देता है। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग 11th में देखे भी थे। अब ये लाइन ब्रिज का काम करेगा किसके लिए, अब वहां चलते हैं स्टॉक 3 में, या यहां पे एक एग्जाम्पल बोलिएगा तो वो देख लीजिए। यहां पे हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। जो स्पेलिंग लिखे हैं वही लिखना है आपको, उसी के बारे में सोचना है। और ये भी लिख देते हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा कि भाई रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, ऐसा कोई लाइन यूज किया हुआ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देख रहे हैं ए है 4 बार, तो जो भी आप वर्ड लिखेंगे उसमें ए 4 बार आएगा, एल 2 बार है तो एल 2 बार आएगा, तो सर्टेन थिंग्स आर रिपीटेड। और एच बी डी देख रहे हैं वो एक एक बार आया है तो एक एक बार ही रहेगा, तो टोटल चीज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का वैल्यू हो गया 9। ए कितनी बार आया है तो उसको बोलते हैं ए पी टाइम्स आया, तो ए कितनी बार आया 4 बार, एल कितनी बार आया 2 बार, एच बी डी देखिए स्टॉक को भी देखिए, ए आया है 4 बार, ठीक है, फिर एल 2 बार, फिर एच बी डी अकेले यही है स्टॉक, तो पी का वैल्यू 4, क्यू का वैल्यू 2, तो रिक्वायर्ड आंसर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 ऊपर, ए 4 बार आया है तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर सवाल को थोड़ा बदला जाए तो खतरनाक सवाल एक होता है, वो भी देख लें ताकि ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग कंडीशनल का बात करने लायक हो जाए। जैसे अगर आपसे बोले कि हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटेस्ट
ऑफ द वर्ल्ड, अलाहाबाद। ऐसा बोले, ठीक है। तो आप स्टॉक को देखिए, तो ए आया है 4 बार, एल आया है 2 बार, एच बी डी है अकेले, ये स्टॉक। तो हम आपको बोले कि परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, नंबर 1 सिलेक्शन एंड नंबर 2 अरेंजमेंट ऑफ दैट सेलेक्टेड ग्रुप। ऐसा है, तो ये पार्ट आप जैसे ही सीख जाएंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जितना भी सवाल इधर आएगा तो मेजर पार्ट आप कर पाएंगे। थोड़ा सा कंडीशनल बताना होगा तो वो भी जोड़ ही दे रहे हैं। अब आपसे कहा, मान लीजिए कि भाई कितने डिफरेंट टाइप का 4 लेटर वर्ड हो सकता है, तो पहले आप सिलेक्शन का सोचिए। तो 4 लेटर ए चीज 4 बार भी आया है, तो टाइप्स ऑफ वर्ड का बात करें तो चारों लेटर एक जैसा हो सकता है, ऑल अलाइक। जैसे आप बोलेगा ए स्टॉक में जितना चीज है, अगर ये 4 बार है तो आपको जरूरत है तो आप 4 बार भी ला सकते हैं, एल 2 बार है तो आप 2 बार भी ला सकते हैं, आपको जरूरत कम है आप नहीं भी ला सकते, 1 बार जरूरत है 1 बार भी ला सकते हैं। तो जो चीज जितनी बार है मैक्सिमम उतनी बार आ सकता है, एच 2 बार नहीं आ सकता है क्योंकि एच एक ही बार है। तो पहले टाइप्स ऑफ वर्ड समझिए, सबका सब एक जैसा। दूसरा क्या हो सकता है कि 3 alike 1 different हो जाए, 1 different हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है कि 2 एक जैसा हो और 2 दूसरे जैसा हो, 2 alike 2 alike। चौथा क्या हो सकता है, 2 alike 2 different, ऐसा हो जाए। पांचवा क्या हो सकता है कि ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो ऑल अलाइक कौन देगा, ए देगा। तो आप बताइए, हम बोले परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, अब जो 1 और 2 में पढ़े हैं, स्टॉक 1 स्टॉक 2 में उसी का यूज करना है। हाँ, और उससे पहले एक लाइन क्या बोले हैं, परमुटेशन जरूरत पड़ने पे अगर स्टॉक में सब कुछ एक दूसरे से अलग ना हो तो कैसे सोचना है, परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, नंबर 1 सिलेक्शन एंड नंबर 2 अरेंजमेंट ऑफ दैट सेलेक्टेड ग्रुप। तो आप बताइए 4A ही ऑल अलाइक बना सकता है, तो 4A से 4A को चुनने का कितना तरीका, एक तरीका। अब 4C4 मत यूज कीजिएगा, NCR तभी यूज होता है व्हेन वी आर डीलिंग विद डिफरेंट थिंग्स। स्टॉक में क्या है, सब चीज एक दूसरे से अलग है, तो 4A में से 4A चुन लिए। अब 4A कितने वे से अरेंज हो सकता है, तो फैक्टोरियल 4 n का वैल्यू और फैक्टोरियल 4 p का वैल्यू, एक तरीका, एक भी लिख सकते थे। तो ये अरेंज 3 alike और 1 different कितने वे से अरेंज हो सकता है, 4 चीज है जिसमें से 3 चीज एक जैसा है, तो ये तो फिक्स हो गया, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p। 4 चीज जिसमें से 2 चीज एक जैसा और 2 चीज दूसरे जैसा, तो ये तो फिक्स हो गया। 4 चीज जिसमें से 2 चीज एक जैसा, तो अरेंज करने का तरीका तो हम पहले से जान गए, 4 चीज जिसमें सब चीज एक दूसरे से अलग, फैक्टोरियल 4। तो बाकी क्या बचा, सिलेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 3 alike कौन देगा, ए देगा। तो 4A में से 3A चुनने का कितना तरीका, एक तरीका, और एक डिफरेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज क्या है, एल एच बी डी, तो 2L नहीं देखेंगे, एल एच बी डी आर 4 different things, उसमें से एक चुनना है, तो हम 4C1 यूज कर दिए। इस पॉइंट को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, इस पॉइंट को क्या मिला हुआ है, ट्रिपल स्टार। क्या बोला, 2 alike 2 alike, 2 एक जैसा 2 दूसरे जैसा, तो कितना पेयर है यहाँ पे, पेयर किसका है, ए का पेयर है, एल एल का पेयर है, तो पेयर देखना है कितने का पेयर है इसके लिए। जब आप इसके लिए सोच रहे हैं तो ये ट्रिपल स्टार है, ठीक है। तो कितने का पेयर है, तो 2 का पेयर है, ए का पेयर है और एल का पेयर है, तो 2 पेयर में से दोनों को चुन लीजिए, 2 पेयर चाहिए, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, तो 2 पेयर में से आप दोनों को चुन लीजिए, ये दोनों अपने में डिफरेंट है। आप बोलेगा ए का 2 पेयर है, अरे भैया ये पेयर आए चाहे दूसरा वाला पेयर आए एक ही बात होगा, तो इसको रिफाइन किए।
तो हमको पता चला दो पेयर है, ए का एक पेयर, ए का एक पेयर और एल का एक, देयर आर टू डिफरेंट पेयर्स, ए का पेयर और एल का पेयर्स, दोनों चाहिए तो वो चुन लिए। यहाँ क्या है, टू अलाइक, टू अलाइक के लिए कितना पेयर चुनेंगे, तो कितना पेयर है, दो, तो वो दो पेयर में से एक पेयर चुन लिए, या तो ए आया होगा या एल एल आया होगा, तो अब दो डिफरेंट चुनना है। तो ए आया होगा, अगर ए का पेयर आया होगा तो एल फ्री होगा, तो एल एच बी डी, तो चार चीज है उसमें से दो चीज चुनना है, तो चार डिफरेंट चीज जिसमें से दो चीज चुनना है, तो फोर सी टू, ठीक है। अगर एल एल आया होगा तो ए एच बी डी होगा, उसमें से दो चुन लेंगे। अब कितना डिफरेंट चीज है, एक दो तीन चार पांच, उसमें से कितना चुनना है, चार, हाँ, या तो वर्ड पहला जैसा होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ पाएंगे, ये वन हो गया, ये कितना हो गया, चार, और ये भी चार, तो ये 16 आ रहा है, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3, 4 हो जाएगा वो, ये एक है, ये 24/4, तो ये क्या हो गया, 6, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 24/4, 6 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4 × 3, ये 6 हो रहा है, 6 × 2 = 12, तो 12, आई भी 12, तो 144, 5 × 5, तो ये हो गया 120, तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए, 6, 6, 12 और 1, 13, 13 और 4, 17, यूनिट प्लेस जोड़ दिए, एक एक यहाँ है, 17 का 1, 2, 2, 4, 4, 8, 1, 1, 2, 287 आ रहा है, बाकी आप जोड़ घटाव देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंडीशनल की तरफ, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये बेसिक्स नहीं करते और कंडीशनल के पास चले जाते तो दिक्कत होता। तो कंडीशनल में सबसे पहले हम लिख रहे हैं गैप मेथड, क्या लिख रहे हैं, गैप मेथड, दूसरा स्ट्रिंग मेथड और भी कुछ कुछ जोड़ देंगे। तो ये गैप मेथड या स्ट्रिंग मेथड कैसा दिखता है, सवालों कैसे पकड़ते हैं, सो देखिए, सवाल से देखिए, देयर आर 10 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट नो टू टीचर्स आर टुगेदर। Find number of ways of arrangement. Find number of possible ways of these arrangement. Of arrangement. ये find करना है। तो देखिए condition किस पे है? तो teachers पे है। हाँ, five teachers मतलब हर teacher एक दूसरे से अलग होंगे। 10 स्टूडेंट्स मतलब हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, तो 15 चीज है, लेकिन कंडीशन किस पे है, टीचर्स पे, तो जिस पे कंडीशन है उस पे क्वेश्चन से थोड़ा सा बाहर कीजिए, और पहले जिस पे कंडीशन नहीं है उसको अरेंज, उसको लिख दीजिए, अरेंज मत कीजिए अभी, लिख दीजिए, मान लीजिए स्टूडेंट 1 और उसके बीच का गैप देखिए, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7, स्टूडेंट 8, स्टूडेंट 9, स्टूडेंट 10, आगे भी एक गैप होगा, तो 10 के बाद 10,
दस के बाद एक एक गैप, तो दस गैप एक पहले भी है, तो जितना क्वेश्चन में रह गया है उससे एक ज़्यादा गैप होगा। तो 10 स्टूडेंट थे तो गैप कितना हुआ 11, तो 11 गैप टीचर के लिए अवेलेबल है। इसमें से हम टीचर कितने हैं 5, तो 5 गैप को चुन लेते हैं और वहाँ पे टीचर्स को रख देते हैं। टीचर्स को वहाँ बता देते हैं, मान लीजिए यही 1 2 3 4 5, इसी में टीचर को भेज दिए। अब अगर टीचर 5 टीचर अपने में सीट एक्सचेंज करें तो फैक्टोरियल 5 होगा, 10 स्टूडेंट अपने में सीट एक्सचेंज करे तो फैक्टोरियल 10 होगा, तो कभी भी कंडीशन का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, टीचर अगर अपने में सीट एक्सचेंज करें, वो गैप्स बनने के बाद अगर वो अपने में सीट एक्सचेंज करे स्टूडेंट के साथ नहीं कर रहे, तो हमेशा क्या होगा, नो टू टीचर्स आर टुगेदर। ये जो वर्ड देख रहे हैं आर टुगेदर या एडजस्टेंट, तो हम लोग सवाल को गैप मेथड से बनाते हैं। मान लीजिए इसी में प्रोबेबिलिटी का सवाल होता कि देर आर 10 स्टूडेंट एंड 5 टीचर्स आर टू बी अरेंज इन अ रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू टीचर्स आर टुगेदर। अगर यही बोलता प्रोबेबिलिटी दैट नो टू टीचर्स आर टुगेदर, टीचर्स आर टुगेदर, ठीक है, तो ये क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल कितना आया, 11C5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 बाई टोटल वेज। अगर बोलते तो 10 और 5 15, टोटल डिफरेंट थिंग्स कितना है 15, वो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5 नहीं, तो हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है, हर टीचर कोई भी एक टीचर दूसरे टीचर से अलग है, तो दे कैन एक्सचेंज देयर सीट अमंग देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इज फैक्टोरियल 15। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया, यहाँ तक आप रुके थे तो परमुटेशन में थे, यहाँ पहुँच गए तो प्रोबेबिलिटी में पहुँच गए। एक और सवाल यहीं पे देख लीजिए, अगर हम लोग बोले कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड Mississippi, so that no two SS are together, तो ये आपको करना है। और यहाँ पे कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट का दो सवाल है, ये भी आप आर्बिट्रली ट्राई कीजिए क्योंकि 11th में तो पढ़े ही हैं, ठीक है, तो इस पे बात कर लेंगे, ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए गैप मेथड से, और बाकी जो मेथड बचा हुआ भी है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो भी लिंक्ड है उसको पहले देख लेंगे, तब फिर जो प्योर बोर्ड के लिए है उस पे आएंगे एक क्लास के बाद, और एक क्लास के बाद, ठीक है, थैंक यू।